जैसे आजकल कुछ सो कॉल्ड फैंस के हिसाब से हम लोग को भी बिजनेस करना, लाइनअप चलाना नहीं आता। अब स्पेस पे होस्ट करके गालियाँ दी जा रही है मुझे, थक को, सिड को, मान्या की रिलीजन पे बोला जा रहा है बाय सो कॉल्ड सोल फैंस, एंड हमें बताया जा रहा है, वहाँ पे बात करी जा रही है, हमारी पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि हम कभी कुछ बोलते नहीं, स्पेशली मी एंड थग। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ क्लिप्स आई थी कि ट्विटर पे कुछ कम्युनिटीज़ है जिसमें से कि एक सो कॉल्ड बोली जाती है कि सोल कम्युनिटी है फैंस की, जिन्होंने कुछ स्पेस वेस होस्ट किया था, और वहाँ पे मुझे, थक को, सिड को काफ़ी गालियाँ दी गई थी, और साथ ही में काफ़ी पर्सनल अटैक भी करे गए थे, जैसे कि मान्या के रिलीजन पे बोला गया था। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, फॉर द फैक्ट कि उन लोग को ये चाहिए था एक ही हम में से, मैनेजमेंट में से कोई आए और उनके स्पेस में जाके बात करे, और उनके हिसाब से वो 4-5 हज़ार फैन जो ट्विटर पर बैठे हैं उनको एड्रेस करे पर्सनली जाके, अपना काम धंधा फैमिली सब छोड़ के, अपने जो जो जिस जिस काम में लगे हैं वो सब छोड़ के। देखो भाई, बात सीधी सी है, फैंस हो फिर आप लोग को ना मैं एक एक करके आज कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? फैंस हो, इज्जत करते हैं हम फैंस के बिना, और हमेशा बोलते आए हैं, मैं तो अपनी स्ट्रीम में हमेशा बोलता आया हूँ कि फैंस तुम लोग हो तो हम लोग हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है, ठीक है? मेरी जो लाइव स्ट्रीम देखते हैं एटलीस्ट वो लोग तो ये बात बता ही सकते हैं कि आई एम राइट इन दिस। तो ये उन फैंस के लिए जिनके कारण आज हम यहाँ हैं, जिनके कारण हम, जो हमें दिल से प्यार करते हैं, जिनको पता है कि हम लोग क्या करते आए हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं फ्रॉम नथिंग टिल हेयर। कि भाई देखो, एक तो अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब मत करो, तुम लोग 15, 16, 18, 20 साल के लड़के होंगे, 21 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। देखो, मेंटल पीस डिस्टर्ब करोगे ना, तुम्हारे को ये आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की, तुम्हें मज़ा आने लगेगा इस चीज़ में कि एक कोई नैरेटिव सेट कर रहा है तो उसके पीछे हम भी करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें तुमने ऐसे पॉलिटिक्स में देखी होगी ना, कि एक नेताजी कुछ बोलते हैं तो नेताजी के पीछे पीछे आवाम भी, उनके जो साथ में चल रहे होते हैं, वो भी वही बोलने लग जाते हैं, है ना? एक वो कौन है एमएमसी, उसके पे भी आता हूँ अभी, उसकी भी कुछ बातें हैं मेरे पास। तो ये आवाम का क्या सीन है ना, कि आवाम का तो जो लोग दिल से फॉलो करते हैं, जिनको पता है हम क्या है क्या नहीं, वो तो हमें बहुत प्यार देते हैं, और देते आए हैं, उनकी वजह से हम सर्वाइव भी कर रहे हैं। तुम जन लोग भाई नैरेटिव सेट करते हो, वहाँ पे गालियाँ देते हो हमें, तुम सोल फैंस बन के स्पेस होस्ट करते हो, वहाँ पे मुझे, थक को गालियाँ देते हो, सिड को गालियाँ देते हो, मान्या को गालियाँ देते हो, जस्ट बिकॉज 2 महीने से थोड़ी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है। तो भाई हम तो ऐसे सोल फैंस का वो फुलफिल नहीं कर सकते। दूसरा नैरेटिव तुम लोगों ने आजकल सेट कर रखा है, सोल फैन बेस डेड हो रहा है, सोल फैन बेस डेड हो रहा है। यार मुझे नहीं लगता कि सोल फैन बेस या सेटेबल फैन बेस डेड हो रहा है, और तुम लोग को ये लगता है कि हम ओनर्स डिल्यूजन में हैं, तो हम डिल्यूजन में ही सही यार। क्योंकि आई डोंट नो कि तुम ज़्यादा बड़े चूती हो, हम ज़्यादा बड़े चूती हैं, कि करोड़ों रुपये यहाँ इन्वेस्ट करके बूट कैम्प में, अपने काम धंधे छोड़ के, मैं अपनी फैमिली बिजनेस छोड़ के, अपना 20,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई फैक्ट्री, खुद की पर्सनल जो मेरे फादर ने मुझे सेटअप करा के दी थी, वो बंद करके इस इंडस्ट्री में आया हूँ, इसमें काम कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर और के साथ, और मैं डिल्यूजन में जाऊँगा, और तुम्हारे हिसाब से तो और मेरी, हमारी बंद ही होने वाली है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम बोलोगे हमारी और बंद हो जाएगी। मैं एक एक करके पॉइंट्स पे आऊँगा, तुम चूतियों के, ठीक है? मेरे को गाली नहीं देनी चाहिए थी, बट ठीक है, मैं आता हूँ। तुम लोग हमने कंपेयर करने लगे आजकल ई स्पोर्ट्स टाइटल से, ठीक है? 19 ई स्पोर्ट्स ऑर्ग्स बंद हुई है पिछले 2 साल में, जो जो आई, जिन्होंने ऐसे शोर मचाया, जिन्होंने आके बिना रोड मैप जाने, बिना कोई इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न जाने, इन्वेस्टमेंट करते गए धड़ाधड़ धड़ाधड़, और बंद हो गए एंड ऑफ द डे। सस्टेनेबिलिटी के लिए जो ऑर्ग्स कर रही है, उनके पास स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड होंगे, उनके पास इन्वेस्टर ऑन बोर्ड होंगे, वो कर लेंगे। हमारे पास ना स्पॉन्सर का पैसा है, ना इन्वेस्टर का पैसा है अभी दूसरी गेम्स के लिए। तो हम तुम्हारे 6 महीने के रंडी रोने में, जिन गेम का एग्जिस्टेंस नहीं है, तुम ई स्पोर्ट्स टाइटल गिनवाते हो हमें, ई स्पोर्ट्स टाइटल, ई स्पोर्ट्स ग्रोथ, इसी बीच में ये जो रात तक, वाह आओ गाते बोकल रात को, आपको बहुत आओ गले मिलो जरा गाते भाई की टाइमिंग देख रहे हो ना, अभी तो गाते भाई भी स्ट्रीम करने वाले अगले लव गाते गातक भाई का स्वागत किया जाए। अब ये मत बोलने ना गोल्डी भाई गातक भाई की चाट रहे हैं, ठीक है? मेरा और गातक का रिलेशन शुरू से A1 फ्रॉम डे वन रहा है, ऐसा ही क्रॉन्टन के साथ रहा है, ठीक है? तो तुम अपना इस चीज़ में बीच में मत घुस जाना कि गातक भाई आते, गातक भाई किसी कारण से नहीं आते थे ऑब्वियसली, जो उन्होंने वहाँ पे भी रीज़न दिया,
की बात ऐसी है, मान्या एंड कंपनी हैव बीन गिवन स्टर्न डेडलाइन फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड रिजल्ट्स टू सॉर्ट एवरी इंटरनल थिंग्स. जो लोग सोल को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि पिछले 5 साल से हम लोग कभी भी टीम के अंदर इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करें. वी हैव ऑलवेज लेफ्ट टू द IGL एंड द मेन प्लेइंग प्लेयर्स. ठीक है, हमारा ऐसे ही वर्क स्टाइल रहा है. हम जाके गांड में उंगली करके ये नहीं नेता बनते कि हमें ऐसे खेलो ऐसे खेलो, बैठ के खेलो, उठ के खेलो, गांड ऊपर करके खेलो, ठीक है, मेडिटेशन करके खेलो. हमें नहीं पता, हमें मतलब नहीं है, हमें रिजल्ट से मतलब रहा है शुरू से. एंड दैट्स हाउ वी. और रही बात सोल फैंस की एक्सपेक्टेशन की, तो भाई आपको चाहिए 12 महीने 365 दिन ऑन द टॉप बैठे रहे, वो वाले सोल फैंस जो गाली दे रहे थे, तो भाई वो नहीं हो सकता. आप चेंज कर लो, बाजू आजू 3-4 कम्युनिटी है, किसी में भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, और आप बात बात पे जो मॉडल का नाम बेट करते हो कि मॉडल जब तक है जब तक हम रहेंगे, ये दोनों लोड़े होते कौन है, तो वो मॉडल से पूछ लेना कि दिन हम दोनों लोड़े होते कौन है. ठीक है, वो वापस से जो जितने भी एस वाले सोल फैन सुन रहे, आप कहीं भी पढ़ो सोल ओनर्स डिलीजन में है, तो सोल ओनर्स का डिलीजन में, तो दो सोल ओनर्स की लाइफ अभी प्रॉपरली सेटल नहीं है, वो सेटल करने अपना करियर इसको मेन स्ट्रीम बना करके बैठे हुए. तीसरा सोल ओनर भी अपने करियर को, जो फैमिली बिजनेस है अपने खुद के बिजनेस है उनको पीछे छोड़ के फुल टाइम इसमें देना है, तो डिल्यूजन में तो हम नहीं है, डिल्यूजन में तो हम नहीं है, कुछ तो हमने किया ही होगा जो यहाँ तक आज पहुँचे. ठीक है, बी टीम परफॉर्मेंस. टीम परफॉर्मेंस का जवाब आप लोग को जल्दी मिल जाएगा. जवाब नहीं मिलेगा तो वी विल टेक नेसेसरी एक्शन व्हाट हैज टू बी टेकन. बट वो हम इस प्रेशर में कि ट्विटर पे 20-40 लोग चाली गाली दे रहे हैं किसी TPT झाड़ भर के टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं होने की वजह से या परफॉर्म नहीं करने की वजह से, तो उस बेसिस पे नहीं, इस बेसिस पे कि हमें लगेगा कि परफॉर्मेंस सही नहीं हो रही. एंड वी काउंट लॉट ऑफ फैक्टर्स इन परफॉर्मेंस. ठीक है, 20 दिन डाउनफॉल चला गया टीम का या प्लेयर्स का या किसी पर्टिकुलर प्लेयर का जिसकी वजह से टीम सफर कर रही हो, उसके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं जो कि हम आके सोशल मीडिया पर बात नहीं करना चाहेंगे ना बताना चाहेंगे. ठीक है, आपको अगर सब कुछ जानना है तो भाई आप फिर उस और को सपोर्ट कर लो जहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाता हो. प्लेयर्स के घर में क्या चल रहा है, प्लेयर्स की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लेयर्स की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या चल रहा है, प्लेयर्स की फैमिली मेंबर्स के साथ क्या चल रहा है. ठीक है, कोई भी अगर और करती हो तो फिर आप वो बात कर लो कि मैंने तो नहीं देखा किसी को बताते हुए.